यूनियन बैंक का शेयर आने वाले 2 सालों के अंदर लगभग 300 रुपये तक का भाव दिखा सकता है। उसके पीछे कारण बड़े ठोस हैं। अगर आप देखें तो पीएसयू सेक्टर के अंदर इस समय जो छोटे बैंक हैं, वो बैंक अभी अपनी प्राइस टू बुक के लगभग तीन तीन के मल्टीपल पर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस समय 3 के मल्टीपल पर काम कर रहा है। वहीं यूनियन बैंक जैसा बैंक, जिसकी अगर ग्रोथ देखी जाए, जिसके अंदर अगर आप पिछले 3 साल की भी ग्रोथ देखें, तो बैंक के लोन बांटने की स्पीड को अगर देखें, वो भी तेजी से बढ़ रही है। बैंक के अंदर डिपॉजिट ग्रोथ देखें तो वो भी बढ़ी है। उसके बावजूद यूनियन बैंक जैसा शेयर जो है लगभग 0.9 के बुक वैल्यू पर मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि यूनियन बैंक के वैल्यूएशन और फिनेंशियल मैच नहीं कर रहे हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। तो ये मार्केट को आने वाले समय में मैच करना होगा, जिसके कारण यूनियन बैंक के शेयर प्राइस में एक बड़ी तेजी आएगी। क्योंकि यूनियन बैंक साइज के हिसाब से भी देखा जाए तो भारत में बड़े पीएसयू बैंकों में शामिल होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यूनियन बैंक का कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहा हूँ, जिसके कारण आपको ये पता लग जाएगा क्यों आने वाले समय में यूनियन बैंक एक मल्टीबैगर शेयर बन सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूनियन बैंक एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क वाला बैंक है, जिसकी भारत के अंदर लगभग 8,560 ब्रांचें हैं। 8,560 ब्रांचेस का इसके पास नेटवर्क है। बैंक भारत के पीएसयू बैंकों के अंदर 5वां सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। और बैंक का 97% बिजनेस ऑफ एडवांसेस, जो लोन बुक है बैंक की, वो देखा जाए तो भारत के अंदर से ही है। साथ ही साथ इस बैंक की हांगकांग, सिडनी, दुबई जैसे देशों के अंदर भी ब्रांचेस इस समय अवेलेबल हैं। जिस तरीके से पीएसयू बैंक में पीछे अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए, कोरोना के बाद थोड़ा सा डिपॉजिट में डीग्रोथ देखी गई थी, पर यूनियन बैंक के अंदर डिपॉजिट में भी किसी तरीके की डीग्रोथ ना देखकर ग्रोथ देखी गई है। अगर आप बात करें बैंक के FY21 के अंदर जो डिपॉजिट था बैंक के अंदर, वो लगभग 9,23,805 का था, जो FY22 के अंदर लगभग 10,32,392 करोड़ का हो जाता है। यहीं अगर बात करें Q1 FY24 के अंदर बैंक का डिपॉजिट बढ़कर लगभग 11,28,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जो कि ये बता रहा है बैंक के डिपॉजिट में रेगुलर ग्रोथ दिखाई दे रही है। और जो ये बैंक के अंदर डिपॉजिट में इतनी बड़ी ग्रोथ आ रही है, इसमें सबसे बड़ा रोल है बैंक की ब्रांच इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बैंक के पास लगभग 8,500 ब्रांचों का जो नेटवर्क है, वो ब्रांच के लिए डिपॉजिट बढ़ाने का सबसे बड़ा काम कर रहा है, जिसके कारण बैंक का कासा रेशो भी काफ़ी स्ट्रांग रहता है। अगर हम यूनियन बैंक के लेंडिंग बिजनेस की बात करें, तो उसके अंदर तो बैंक बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। बैंक का बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल डिजिट से बढ़ रहा है। अगर आप बैंक की लेंडिंग की टोटल लोन बुक को देखें, FY21 के अंदर मात्र 6,53,600 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि Q1 FY24 के अंदर 8,18,457 करोड़ रुपए की हो गई है। कहने का मतलब बैंक ने अपनी लेंडिंग को बहुत तेजी से एग्रेसिवली बढ़ाया है। तो बैंक अपना लोन रिटेल, एग्रीकल्चर, MSME एंड कॉरपोरेट सेक्टर को देता है। कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर बैंक की लोन बुक का लगभग 46% हिस्सा आता है, MSME से 15% आता है, एग्री से 19% और रिटेल सेक्टर से 20%। और ये सभी बिजनेस इस समय बैंक के देखा जाए तो ज़्यादातर बिजनेस डबल डिजिट में बढ़ रहे हैं। बैंक का अगर हम बात करें, इस समय कॉरपोरेट लोन बुक वो लगभग 9.5% के हिसाब से ग्रो हो रही है, MSME 14.5% के हिसाब से ग्रो हो रही है, एग्री लगभग 13.77% से ग्रो हो रही है, और यहीं अगर हम रिटेल लोन बुक की बात करें तो वो लगभग 10.5% के हिसाब से ग्रो हो रही है। यहीं अगर हम रिटेल लोन बुक की बात करें तो वो लगभग 16.5% के हिसाब से ग्रो हो रही है बैंक की इस समय जो लोन बुक है। बैंक का मेन फोकस अब गोल्ड लोन पर भी आता जा रहा है। गोल्ड लोन वाला तो बिजनेस बैंक का लगभग 52.93% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है, जो कि इस समय लगभग 55,413 करोड़ रुपए की लोन बुक बैंक की गोल्ड लोन को लेकर हो चुकी है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत का थर्ड लार्जेस्ट लेंडर है MSME एग्री सेक्टर के लिए, और फोर्थ लार्जेस्ट है इस समय जो है रिटेल सेक्टर के लिए। तो बैंक का जो साइज़ है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि बैंक की जो लोन बुक है वो उसके साइज़ के कारण है और बैंक के ब्रांच नेटवर्क के कारण है। अगर हम बैंक की लोन बुक में इस समय अगर जाकर देखें और जिस तरीके से बैंक ने अपने क्लाइंट्स की क्वालिटी को सुधारा है, तो वो बैंक के रेशोज़ अब बता रहे हैं।
कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर बैंक के पास इस समय 80% क्लाइंट जो हैं वो A+ रेटिंग के हैं, और अगर NBFC सेक्टर के अंदर हम देखें तो 69% क्लाइंट AAA रेटिंग के हैं, और यहीं अगर रिटेल लोन बुक की बात करें तो बैंक के पास 97% क्लाइंट जो हैं वो 700+ सिविल स्कोर वाले हैं, जो कि उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा तो 750+ सिविल स्कोर के हैं। तो ये बता रहा है कि बैंक अब जो अपनी लोन बुक को एग्रेसिवली तो बढ़ा रहा है पर साथ ही साथ क्वालिटी को लेकर भी काफ़ी जागरूक होकर काम कर रहा है। और ये जो तेज़ी आपको बैंक के एडवांसेस और डिपॉजिट में दिखाई दे रही है, ये तेज़ी सिर्फ यही नहीं है, बैंक के सभी फिनेंशियल रेशो इस समय दिखा रहे हैं कि बैंक जो है बहुत अच्छी राह पर चल रहा है। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन FY21 के अंदर 2.71% था, जो कि इस समय लगभग 3.13% पे खड़ा है। तो बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन को भी लेकर काफ़ी फोकस दिखाई दे रहा है। अगर हम बैंक की यील्ड की बात करें, यील्ड ऑन एडवांसेस जो बैंक को लोन बुक पर जो ब्याज मिलता है वो भी 7.21% से बढ़कर लगभग 8.43% पर इस समय है, जो कि ये बता रहा है कि बैंक ने किसी भी तरीके का कोई प्रेशर अपनी बुक्स पर ना लेकर कस्टमर को ही पास ऑन किया है। अगर आप बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी को देखेंगे तो वहाँ पर तो आपको पता लगेगा कि बैंक ने अपनी ग्रोथ के अंदर अपने प्रॉफिट को बहुत तेज़ी से बढ़ाया है, जिसके कारण रिटर्न ऑन इक्विटी इतनी तेज़ी से बढ़ी है। बैंक FY21 के अंदर लगभग 6.68 की रिटर्न ऑन इक्विटी पर था, जो कि इस समय करंट में लगभग 18.97% पर है। बैंक इस समय 19% की रिटर्न ऑन इक्विटी वाला बैंक बन चुका है। यहीं अगर हम बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स की, तो FY21 के अंदर 0.27 की बैंक की रिटर्न ऑन एसेट्स थी, जो इस समय 1% पर पहुंच चुकी है, जो कि इस समय 4 times हो चुकी है बैंक की लगभग 2.5 सालों के अंदर ही। नेट NPA बैंक का 4.62% था FY21 के अंदर, जो कि इस समय 1.58% है। अगर हम ग्रॉस NPA को देखें तो बैंक का FY21 के अंदर 13.74% ग्रॉस NPA था, जो कि अब बैंक ने घटाकर 7.34 पर पहुंचा दिया है, और आगे भी ये लगातार घटने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से बैंक अपने फर्दर नए NPA को लेकर काफ़ी सजग है और पिछले NPA को घटाता जा रहा है, तो इससे ये पता लग रहा है कि बैंक का ग्रॉस NPA और भी कम होने की उम्मीद है। MSME और लार्ज कॉरपोरेट ने बैंक को लेकर काफ़ी परेशान किया था। अगर देखा जाए तो FY21 के अंदर 20% जो NPA था वो MSME सेक्टर से आया था और 15% कॉरपोरेट से। अब बैंक ने दोनों ही की क्वालिटी को सुधार दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंक की ज़्यादातर बुक में अब कस्टमर की रेटिंग सुधर चुकी है, अच्छे क्लाइंट हैं कंपनी की बुक में। तो अब देखा जाए तो जो बैंक की जो ग्रोस लोन बुक भी है उसके अंदर लगभग 12% जो NPA है वो इस समय जो है MSME सेक्टर से है, और कॉरपोरेट सेक्टर से मात्र 6.4% NPA दिखाई दे रहा है। तो बैंक ने अपनी बुक को काफ़ी हद तक क्लियर कराया है, क्वालिटी को मेंटेन किया है, और जो ये सुधार आपको बैंक के रेशोस पर दिखाई दे रहा है इसका इम्पैक्ट बैंक के प्रॉफिट पर भी बहुत बड़ा आया है। FY21 के अंदर बैंक का 2900 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, जो कि इस साल 4 गुना बढ़कर लगभग 13,000 करोड़ रुपये के आसपास पहुँचने वाला है। बैंक का FY21 के अंदर जो 2900 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था वो FY23 के अंदर बढ़कर लगभग 8,433 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया, और Q1 FY24 के अंदर लगभग 3236 करोड़ रुपए का जो बैंक का प्रॉफिट है वो ये बता रहा है कि बैंक इस साल के अंदर लगभग 13,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर सकता है। और जिस तरीके से बैंक ने 5,000 करोड़ रुपये का QIP लॉन्च किया है, और वो भी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर, तो वो ये बता रहा है कि बैंक का मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं ये मान रहा है कि बैंक के वैल्यूएशन इस समय काफ़ी सस्ते हैं मार्केट प्राइस से, और बैंक को ये विश्वास है कि उनका QIP ईजिली भर जाएगा, वो भी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर। और ऐसे केसेस में ज़्यादातर देखा गया है कि शेयर प्राइस में आने वाले समय में एक बहुत बड़ी तेज़ी देखी जाती है, तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है बैंक को लेकर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शेयर इस समय लगभग 0.87 के बुक वैल्यू पर कामकाज कर रहा है, और इस साल लगभग शेयर देखा जाए तो 19 रुपये का EPS ला सकता है, और बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 19% है इस समय। यहीं अगर एक छोटे बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, PSU सेक्टर बैंक की, जिसकी रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 18% की है, उसे बाजार इस समय बुक वैल्यू दे रहा है
2.1 के आसपास की, जो कि ये बता रहा है कि यूनियन बैंक तो इस समय काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और अगर हम 12 महीने के हिसाब से यूनियन बैंक के लिए लक्ष्य निर्धारित करें तो यूनियन बैंक यहाँ से कम नहीं तो 210 रुपए का टारगेट दिखा सकता है करंट मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से। और अगर मार्केट बैंकों को वैल्यूएशन और देता है तो इसमें और भी तेजी आ सकती है। उस बुल के सिनेरियो में 18 महीने के हिसाब से यूनियन बैंक का शेयर लगभग 310 रुपए का टारगेट दिखा सकता है। तो यूनियन बैंक अपने करंट प्राइस से अगर हम देखें तो लगभग 3 times होकर दिखा सकता है आने वाले समय में। तो ये एक 3 times मल्टीबैगर स्टॉक दिखाई दे रहा है, जो कि इस समय काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो मेरी नज़र में यूनियन बैंक यहाँ से एक फ्यूचर मल्टीबैगर बन सकता है। यूनियन बैंक के अंदर फ्यूचर मल्टीबैगर बनने की कैपेसिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। उम्मीद करता हूँ यूनियन बैंक को लेकर आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।